आज अब हम लोग टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे आज। तो देखो, कुछ तरीके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताने का। एक हम लोग का तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ लग रहा है लॉ ऑफ सर जाएं। एडिशन। और एक तरीका है क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। कट कट क्या आ रहा है क्या? आवाज कट कट क्या आ रहा है क्या, बताओ। नो सर, नो सर। ठीक है, तो देखो मामला कैसे बनता है हम लोग देखेंगे। तो दो लॉज है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताने का, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हम लोग मुद्दा देख लेंगे क्या है। पहले आप ये समझो, मैंने आपको, अगर आप पिछले क्लास में, मैंने आपको एक थ्योरम बताया था जिसमें ये थ्योरम भी हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या थ्योरम बताया था? कि अगर एक साइक्लिक फॉर्म में तीन वेक्टर्स, एक तीन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर साइक्लिक फॉर्म में रखते हैं, साइक्लिक फॉर्म में अगर हम लोग तीन वेक्टर्स को रखते हैं तो तीनों वेक्टर का एडिशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। मैंने ये थ्योरम बताया था, ये थ्योरम को भी हम लोग आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स का एडिशन अगर तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स है, कोप्लेनर मतलब ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाइक करेंगे, और तीनों अगर इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म का मतलब ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है और सी का टेल बी के हेड से जुड़ा हुआ है और सी का हेड ए के टेल से जुड़ा हुआ है। तो अगर तीनों इस तरीके से हेड टू टेल जुड़े हुए हैं तो तीनों का एडिशन जो है, और सेम प्लेन में अगर लाई कर रहे होंगे तो तीनों का एडिशन आपको जीरो देगा। ये थ्योरम भी हम लोग आज प्रूफ करने का देखेंगे, यहाँ पे भी, क्योंकि तीन वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है। देखो तो मामला कैसे बनता है इसमें। देखो अब मानो ट्रायंगल ऑफ एडिशन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम में भी सिमिलरली डिस्कस कर लेंगे। देखो तो क्या कह रहे हैं हम, कि मानो कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तीन पॉइंट है। ये ट्रायंगल का एक साइड हुआ, ये ट्रायंगल का दूसरा, ये ट्रायंगल का तीसरा साइड है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है, कि अगर आपने दो वेक्टर को, एक वेक्टर हो गया ये ए वेक्टर और एक वेक्टर हो गया आपका बी वेक्टर, तो अगर आपने दो वेक्टर को इस तरीके से रखा हुआ है कि जो लेंथ ऑफ ए वेक्टर है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर उस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी, और लेंथ ऑफ बी वेक्टर आपका सिमिलरली बी सी साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी जिसपे ए वेक्टर को ए बी साइड के अलोंग रख दिया है और बी वेक्टर को बीसी साइड के अलोंग रख दिया है, और किस तरीके से उस ट्रायंगल को अरेंज किया है ताकि आपका लेंथ ऑफ ए वेक्टर ए बी साइड लेंथ के बराबर हो और लेंथ ऑफ बी वेक्टर बीसी साइड के बराबर हो। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन आपको ये कहता है कि जो आपको उस इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड होगा ए सी, जो साइड होगा ए सी वो आपको इन दोनों वेक्टर का एडिशन दे देगा, इन दोनों वेक्टर का एडिशन दे देगा। ठीक है, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये कहता है। क्या कहता है, कि अगर आपने ट्रायंगल के दो साइड पे, किन्हीं दो साइड्स पे अगर दो वेक्टर को रख दिया जिनको आपको ऐड करना है, और इस तरीके से रखा है कि एक साइड ए बी उसका एक वेक्टर का लेंथ हो जाए और दूसरा साइड लेंथ बी सी आपको दूसरे वेक्टर का लेंथ हो जाए, तो आपको जो तीसरा साइड होगा उस ट्रायंगल का वो उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे। ये ट्रायंगल कहता है, और ट्रायंगल ये भी कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, कि आपको वेक्टर्स को कैसे अरेंज करना होगा।
आपको एक वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ के रखना होगा, तब जाके ये तीन कंडीशन हो गए। क्या हो गया? ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? ए का हेड बी के टेल से जुड़ा होगा, ठीक है, हेड टू टेल आपको जोड़ना होगा, ये तीसरा कंडीशन हो जाता है। जब ये दो कंडीशन अगर आप ट्रायंगल में रखते हो तो आपको जो रिजल्टेंट है, जो तीसरा साइड है एसी, जो तीसरा साइड है वो आपको रिजल्टेंट एडिशन दे देता है, रिजल्टेंट एडिशन ऑफ ए एंड बी दे देता है। और एक चीज आपको ये देखना है, एसी ये रिजल्टेंट वेक्टर है, हम क्या कह रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ये एसी है इसमें डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा जो साइक्लिक ऑर्डर में आपने ए बी को रखा हुआ है, जैसे कि ये साइक्लिक ऑर्डर पे, उसके ऑपोजिट ऑर्डर पे आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, समझे, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आपको ऑपोजिट में मिलेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, क्लियर है ना। आप देखो यहाँ पे ड्रॉइंग में हेड देख लो, ए से बी को आपने ए वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, बी से सी में आपने बी वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ए से सी तक आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए और बी का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में से मिलता है। तो अभी देखो थोड़ा सा हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हम ये देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट वेक्टर के, क्योंकि हम लोग को एडिशन देखना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये भी ट्रायंगल है और ये हमारा, ऐसा हमने ए वेक्टर को रखा हुआ, ऐसा बी वेक्टर रखा हुआ, करेगा ये ट्रायंगल कहता है। तो अच्छा आप लोग मुझे ये याद दिलाओ, आपको रिजल्ट रिजोल्यूशन आवाज चुक रही है सर, आवाज सर कट कट के आ रही है मुझे, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क सही कर लेना दो सर। अच्छा रुक जाओ, रुको रुको फिर तो रुको। क्लास चल रहा है क्या सर? अभी आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर ठीक आ रहा है। हेलो यस सर, ठीक है ठीक। तो देखो मैं अभी तक ये डिस्कस कर रहा था कि अगर आपने एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि अगर आप एक ट्रायंगल लेते हो ए बी सी का, तो उसमें लेंथ ऑफ ए वेक्टर अगर एक साइड लेंथ ए बी को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ ऑफ बी वेक्टर दूसरे साइड लेंथ बी सी को रिप्रेजेंट करता है, तो जो इस ट्रायंगल पे तीसरा साइड लेंथ होगा ए सी, वो इनके रिजल्टेंट एडिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया था और ए प्लस बी को रिजल्टेंट वेक्टर कह दिया था। तो ये जो तीसरा साइड हो गया ए सी, वो इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। और आपको ए और बी को कैसे ज्वाइन करना है, मैंने ये कहा था कि ए का हेड को बी के टेल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का एडिशन, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। यहाँ पे देखो ए के टेल से बी, ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन किया हुआ है, तो ए सी का डायरेक्शन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर ये कहा था, इसके साइक्लिक के ऑपोजिट ऑर्डर में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यही चीज हम लोग अभी मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पहले मैंने ये सवाल पूछा कि आप लोगों को क्या मैंने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बताया था? बताओ रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? नहीं सर नहीं। ठीक है तो इधर सुनो, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर देखो,
अगर आप एक वेक्टर को रिजोल्व करना है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, मानो कि ये आपका एक वेक्टर है ए, तो आप एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। तो मानो कि ये मेरा एक, ये दो जो डायरेक्शन है डॉटेड लाइंस का, ये मेरे को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है ना। अगर ये मानो एक्स एक्सिस है, ये मानो वाई एक्सिस है, तो दोनों एक्स और वाई एक्सिस अपने दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अगर ये मानूं कि आपका ए वेक्टर एक परपेंडिकुलर एक्सिस से एंगल थीटा रिप्रेजेंट थीटा से है, तो आप ये कह सकते हो इन दिस, ये डॉटेड लाइन के बाद ये जो इसका दो वेक्टर है और तो अगर मैं इसके x एक्सिस वाले कंपोनेंट को ax कहूं और इसके y एक्सिस वाले कंपोनेंट को ay कहूं, तो ये ax वेक्टर एंड ay वेक्टर आर दी टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये ए एक्स और ए वाई कैसे बराबर होगा, ये देखो, ए एक्स वेक्टर को हम कह सकते हैं ए वेक्टर का कॉस थीटा और ए वाई वेक्टर को हम कह सकते हैं ए वेक्टर साइन थीटा। क्यों ऐसा क्यों कह पा रहे हैं ये भी देखेंगे हम लोग अभी, ऐसा क्यों कह पा रहे हैं। तो अगर मानो कि ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो कि मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या ये मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कॉस ऑफ थीटा, और क्या ये मैं लिख सकता हूं बी सी इज इक्वल्स टू ए सी साइन थीटा, लिख सकता हूं ना मैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके ये बता रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी मैं ए बी को ए सी कॉस थीटा लिख सकता हूं और बी सी को ए सी कॉस थीटा लिखता हूं, मतलब ये आपका ए सी साइन थीटा हो गया और ये आपका ए बी ए सी कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत इसमें, बताओ मेरे को ये कैसे हो गया, अगर दिक्कत हो रही हो तो। नो सर। ठीक है, तो आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि अगर एक वेक्टर का जो लेंथ है वो उसके जो भी मैं उस एरो को अगर जिस एरो से भी अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उस एरो का लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं ए वेक्टर का जो अगर मैग्नीट्यूड मानू कि वो एसी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे भी देखो ये ए वेक्टर जो है वो एसी के बराबर है, और साइन कॉस थीटा को मैंने यहाँ डायरेक्टली कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ साइन थीटा को मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। तो ए वाई जो है एक्स वेक्टर का जो लेंथ होगा वो ए बी साइड लेंथ के बराबर होगा, और ए वाई वेक्टर का जो लेंथ होगा वो बी सी साइड लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। और आप एक वेक्टर को, अगर मैं ये भी बताया था आपको कि इस वेक्टर को, ये अगर ए वाई वेक्टर है तो इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ से यहाँ भी रख सकता हूँ, स्पेस में मैं वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। सो ये आपका ऑन दिस बेसिस ये आपको रिजोल्यूशन इस तरीके से आप कर सकते हो किसी वेक्टर को। समझ में आया कैसे रिजॉल्व करना है? यस सर। हाँ तो आप, हाँ तो इससे आपको ये रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर से आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई भी वेक्टर अगर पता है तो आप उसको किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसे रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको वन ऑफ दी परपेंडिकुलर एक्सिस से वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से आपको पता चल गया था कि वो थीटा एंगल बना रहा है, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था वो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा हो जा रहा था, और जिस
और जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस था वो वाला कंपोनेंट साइन थीटा हो जा रहा था। तो इस तरीके से आप रिजोल्व कर सकते हो मामला, ठीक है। तो हम लोग वापस से आपके ओरिजिनल ट्रायंगल पे जाते हैं। तो अब मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे ये ए बी है, ए बी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी सी है, बी सी वेक्टर बी सी साइड लेंथ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये अगर मैं एंगल बिटवीन ए एंड बी कहूं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर मैं कहूं कि थीटा है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल थीटा लोगे या फिर ये वाला एंगल थीटा लोगे, कौन सा एंगल थीटा लोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला ना। पहला वाला क्यों नहीं लोगे? पहला वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पहला वाला एंगल जो है वो ए का पहला वाला हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पहला वाला जो है वो ए का हेड और बी के टेल के बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए पहला वाला एंगल नहीं लेंगे और दूसरा वाला इसलिए ले पाएंगे क्योंकि अगर ए बी वेक्टर को मैंने कहा है कि आप स्पेस में कहीं पे भी मूव कर सकते हो, सो इस ए बी वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ए वेक्टर को, तो ये एंगल जो है वो ए का टेल और बी के टेल के बीच में है, तो इसीलिए ये वाला एंगल जो सेकंड वाले केस में एंगल था वो मेरा एक्सेप्टेबल है, पहला वाला एंगल ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं यहां से। अब देखो मामला कैसे बनता है कि अब आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा कहा जा रहा है तो आप ये वाला एंगल लोगे, है ना। तो अब मुझे ये पता है कि बी वेक्टर एक ये दोनों ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाए हुए हैं ये दोनों डॉटेड लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये डी पे ट्रायंगल बी डी सी एंगल डी पे 90 डिग्रीज बना रहा है, एंगल डी पे 90 डिग्रीज बना रहा है, तो मतलब बी डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर वेक्टर बी बी डी और सी डी दो परपेंडिकुलर एक्सिस है और एक बी डी के साथ ये बी वेक्टर बी डी के साथ ये बी वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि बी डी वेक्टर के डायरेक्शन पे आपको बी जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस थीटा हो जाता है और जिसके साथ दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या बन जाता है, बी वेक्टर साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। तो ये मैं दो कह सकता हूं, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। हाँ, तो अब ये देखो ये डॉटेड लाइन से मैंने ए और सी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ ये भी ध्यान से सुन लो। अब आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए डी और सी, क्योंकि ये एंगल डी पे 90 डिग्रीज है तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? ए डी का लेंथ का स्क्वायर प्लस सी डी का लेंथ का स्क्वायर आपको देगा ए सी का स्क्वायर। आपको क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कह रहा है कि अगर आपने एक ट्रायंगल ए बी और सी के दो साइड्स पे आपने दो वेक्टर्स को रख दिया है, ए और बी वेक्टर को दो साइड पे एंगल ट्रायंगल ए बी सी के दो साइड पे आपने दो वेक्टर्स को रख दिया है सच दैट जो लेंथ ऑफ द टू साइड्स है वो लेंथ ऑफ द वेक्टर के बराबर है और दोनों साइक्लिक ऑर्डर में है, तब जाके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि जो ट्रायंगल का तीसरा साइड है वो आपको उन दोनों का एडिशन दे देगा, ठीक है। वो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो दोनों का एडिशन दे देगा, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है। तो आपको अभी पता करना है कि ये जो ट्रायंगल ये एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है।
तो आपको ये बेसिकली ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है वो कितना है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो उतना ही होगा जितना साइड लेंथ एसी होगा, जितना साइड लेंथ एसी होगा, क्योंकि आपने इस तरीके से ट्रायंगल को चूज करा हुआ है कि जो साइड लेंथ ए बी का है वो लेंथ ऑफ ए है, जो साइड लेंथ बी सी का है वो लेंथ ऑफ बी है। तो जो तीसरा साइड है वो रिजल्टेंट अगर दे रहा है तो तीसरे साइड लेंथ भी रिजल्टेंट के लेंथ, रिजल्टेंट वेक्टर के लेंथ के बराबर होगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एसी का लेंथ डिटरमाइन करना है, तो वो एसी का लेंथ आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एसी को अगर आप ये लिखोगे ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर वन बाय अंडर रूट। देखो अब एडी क्या है, एडी इज नथिंग बट ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर, है ना, एडी प्लस बी डी का स्क्वायर, और सी डी तो आपका सी डी है, और ए बी आपको ये मैंने कह दिया है कि ए बी अगर लेंथ ऑफ दी साइड है ए बी सी ट्रायंगल में लेंथ ऑफ दी वेक्टर है तो ये ए हो गया, और बी डी क्या है, बी कॉस थीटा हो गया तो इसका स्क्वायर, और सी डी क्या है, सी डी देखो सी डी क्या है, सी डी बी साइन थीटा है तो बी साइन थीटा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ उन वेक्टर के लेंथ के बराबर है इसीलिए मैं ये लिख पा रहा हूं। अब इसको बस आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल अंडर वन बाय टू। तो अब ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या दे देगा, बी स्क्वायर दे देगा, और ये टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया वन बाय टू। तो इससे आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है जो कि ए सी के बराबर है, जो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है उनके बीच में एंगल है, और इस टोटल का अंडर रूट मतलब वन बाय टू। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नो सर। नहीं है ना। तो देखो अब आपको ये पता चल गया है कि इनका इनका इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। अब आपको ये भी अगर पता करना होगा कि आपका एक रेफरेंस लाइन है, ये आपका ये रेफरेंस लाइन है, ये जो रेफरेंस लाइन है आपका ये, तो इस रेफरेंस लाइन से ये कितना एंगल पे है, मानो कि ये एंगल अल्फा है, इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पे है, तब आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो टैन अल्फा, अगर मैं बोलूं टैन अल्फा, ये अगर टैन अल्फा बोलूं इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी टैन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, टैन ऑफ अल्फा विल बी बताओ CD by AD, ठीक है, CD by AD हम लोग अभी देखते हैं, फिर tan of alpha is CD by AD, CD क्या है, CD is B sin theta, AD क्या है is A plus B cos theta, तो आप लिख दो CD is B sin theta एंड ए डी इज ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बस आपको अल्फा पता चल गया कि आपको अल्फा, अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं इन ट्रायंगल एडिशन ट्रायंगल वेक्टर में, कि अगर दो वेक्टर को आपने, दो वेक्टर को अपने ट्रायंगल ए बी सी पे, दो वेक्टर को, ए वेक्टर को आपने ए बी साइड लेंथ के बराबर रख दिया और बी वेक्टर को अपने बीसी साइड लेंथ के बराबर रख दिया, तो आपको जो इन दोनों का एडिशन है वो आपको इसका, इस ट्रायंगल का, एबीसी ट्रायंगल का तीसरा साइड दे देगा, और उसका डायरेक्शन उसके साइक्लिक ऑर्डर के ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, उसके साइक्लिक ऑर्डर के ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ थीटा. थीटा क्या है, इनके बीच में एंगल है, इसका अंडर रूट. इतना मैग्नीट्यूड हो गया और कितना एंगल पे है, अगर ये एंगल अल्फा है तो कितने एंगल पे है, ये एंगल हो जाएगा बी साइन थीटा. बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा. ठीक है, अब आपको ये चीज पता चल जाती है ट्रायंगल से. तो इस तरीके से ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है कि इस तरीके से दो वेक्टर को ऐड किया जाता है. ठीक है, अब हम आते हैं उस थ्योरम पे आते हैं. वो थ्योरम पे मैंने ये कहा कि अगर आप तीन कोप्लेनर वेक्टर को लेते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो तीनों का एडिशन मैंने ये कह दिया था कि वो जीरो हो जाता है. कब, जब तीनों को आप साइक्लिक ऑर्डर में रखते हो, साइक्लिक ऑर्डर, और आप कोप्लेनर वेक्टर्स को ले रहे हो, तब जाके आप ये कह सकते हो कि ये वाला ट्रू है. तो देखो, जो अगर आपने अब देखो इस थ्योरम को प्रूव हम लोग ओरली कर देंगे. ये अगर ए वेक्टर है और अगर ये वेक्टर बी है, और आपको ये पता है कि इसका ऑपोजिट वाला जो थर्ड साइड होगा वो आपको ए प्लस बी दे देगा, और ये आर से आपने लिख दिया. ठीक है, तो आपको मैंने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी कहा था. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाता है, अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर सी है जो नेगेटिव ऑफ आर है, तो नेगेटिव ऑफ आर, आर का डायरेक्शन ये हो गया, तो नेगेटिव ऑफ आर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना, तो ये सी वेक्टर हो गया. ठीक है, तो क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल्स टू आर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू आर, तो आप यहाँ पे a प्लस बी माइनस ऑफ r कर लो, जीरो हो गया. एंड अभी मैंने ये कहा हुआ है कि माइनस ऑफ r इज इक्वल्स टू c वेक्टर, तो ये c जीरो हो गया. तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि तीन कोप्लेनर वेक्टर्स जो कि साइक्लिक ऑर्डर में है, ये हर एक का टेल, साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए का टेल, ए का हेड बी के टेल से जुड़ा है, बी का हेड सी के टेल से जुड़ा हुआ है, और सी का हेड ए के टेल से जुड़ा हुआ है. सो तीनों का एडिशन आपको जीरो देगा. क्लियर है ये बात? ठीक है, yes, हाँ. तो अब आप इसी चीज को, एडिशन ऑफ अ वेक्टर को, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी देख लो. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में ये कहते हैं कि जैसे कि अभी आप ट्रायंगल में कहा था कि एक वेक्टर को आपने एक ट्रायंगल के साइड पे दे दिया, तो सिमिलरली आप एक पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के दो साइड पे आपने दो वेक्टर्स को रख दिया. पैरेललोग्राम के दो साइड पे आपने दो वेक्टर्स को रख दिया. ठीक है, आपका ये पैरेललोग्राम हो गया. ये ए बोलो, ये बी, ये सी, ये डी. तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ना. इनके बीच में ये एंगल थीटा है. अभी मैंने कहा दोनों के टेल के बीच में एंगल थीटा हो जाता है. तो अभी आपने क्या कहा करा कि ए बी साइड पे आपने ए वेक्टर को डाल दिया, और जो ए डी साइड था उस पे आपने बी वेक्टर को डाल दिया. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा. जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा, और जो इस पैरेललोग्राम ए बी सी का जो डायगोनल होगा, डायगोनल विच ए सी डायगोनल will give me length of this diagonal will give me the resultant vector का magnitude. ठीक है, length of this resultant vector का magnitude. ये simply आप triangle law of addition से extrapolate भी कर सकते हो. जैसे कि vector को आप कहीं से भी कहीं उठा के रख सकते हो, तो मैं b vector को उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ. तो again वही चीज, ये वाला triangle देखो, abc triangle आपको वैसे ही मिल रहा है. तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी एक तरीका है, आप इस तरीके से बता सकते हो. ठीक है,
कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? नो सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत बता देना। ठीक है, अब अगर चलो, अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि देर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 units और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 units और इनके बीच में एंगल है 37 degrees का। तो मुझे बताना है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बताओ कितना होगा। अच्छा, ये पता है ना आप लोगों को साइन ऑफ 37 कितना होता है? 3/5। और साइन ऑफ 53? 4/5। दो ट्रायंगल है, ये याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। दो ट्रायंगल है, बहुत ही सिंपल है। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो जो छोटा एंगल है उसके ऑपोजिट वाला 37 डिग्रीज हो जाता है और जो बड़ा वाला साइड है उसके ऑपोजिट वाला 53 डिग्रीज हो जाता है। तो साइन ऑफ 37 आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और साइन ऑफ 53 आपके लिए परपेंडिकुलर विच इज 4 बाय हाइपोटेन्यूस विच इज 5। ठीक है, ये एक हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं सब सारे साइड्स पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया। और एक ट्रायंगल भी कहते हैं, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल हो जाता है, ये 13, ये 5 और ये 12, ये भी एक ट्रायंगल है, बट इसमें एंगल डिफरेंट होता है, बट ये भी एक स्टैंडर्ड पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ इसमें रिजल्टेंट क्या आ रहा है। आंसर आया क्या? ये देखो कैसे करोगे इसको। आपको अगर मानो कि ये r वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड और बीच में cos थीटा और इसका होल अंडर रूट। तो आप इसमें करोगे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स 3 और cos ऑफ 37 इसका होल अंडर रूट। तो दिस इज 25, दिस इज 9, दिस इज 30। cos ऑफ 37 कितना हो जाएगा? अगर sin ऑफ 37 3/5 है, cos ऑफ 37 कितना हो जाएगा? 4/5। आवाज हाँ, तो आप यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई कर दो, दिस होल अंडर रूट 1/2। सिंपल है, 25 प्लस 9 प्लस 24, ये आपका ऐड करो इसको, ये 1/√ आंसर आ जाएगा। दिस इज 34, 58 का अंडर रूट यूनिट्स। और ये कितना एंगल बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा? आपको टैन ऑफ अल्फा मैंने कहा हुआ है ना, टैन ऑफ अल्फा, ये अल्फा किसके साथ बनाता है? अल्फा विथ ए वेक्टर, अल्फा विथ ए वेक्टर है ये। तो ये क्या हो जाता है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा,
तो बी साइन थीटा कितना है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, साइन थीटा इज 3/5, ये 5 है, ये 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो ये आंसर दे देगा आपको 9/5 डिवाइडेड बाय 25 + 12 होल डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू आपको दे देगा 9/37, ठीक है। तो इतने एंगल ये विद ए वेक्टर वेक्टोरियली अगर बताना है तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि अगर ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और ये अगर बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है तो आपका जो सी वेक्टर होगा वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड आपको आ रहा है √58 यूनिट्स और ये एंगल अल्फा बना रहा है विद द ए वेक्टर। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत इसमें? बताओ बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर वो एंगल वाला समझा दीजिए ना फिर से। बिल्कुल बिल्कुल समझा। एंगल आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो ये आप समझ जाओ पहले। एंगल हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहाँ पे जब हमने देखा यहाँ पे एंगल हमने अल्फा, ये अल्फा जो है हमने ए वेक्टर के साथ निकाला हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। ये टैन अल्फा जब मैंने यहाँ पे लिखा था इन ट्रायंगल एडीसी तो आपने कहा था कि ये बी साइन थीटा बाई एडी है। एडी क्या है, एडी इज ए वेक्टर का एडिशन विथ बी कॉस थीटा का एडिशन, ठीक है। तो वही चीज बेसिकली मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी साइन थीटा जो कि सी डी, ये आपका अगर मैं यहाँ पे वापस से बना देता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका ऐसा था यहाँ पे ये ऐसा था, तो ये ए था ये बी था ये थीटा था, ये बी कॉस थीटा हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो दिस ये दोनों का एडिशन दिस ये बी, तो अगर ये एंगल अल्फा आपको निकालना है सो टैन ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा एंड बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज करा हुआ है मैंने, पूछो और कोई दिक्कत हो तो करना है। और एक क्वेश्चन, यस सर। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है सिंपल अगेन सिमिलर क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, ये वर्ड्स में मैं लिख दे रहा हूं, 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट सर्टन एंगल 45 डिग्रीज विथ ईच अदर। With each other, find out the resultant vector. Find out the magnitude and direction of resultant force and direction of resultant force. चलो ये करो।
आवाज आ रहा है बच्चों? यस सर। तो देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है ना? फाइव रूट नाइनटीन। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो इस पे कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, एक है 10 न्यूटन का एक वेक्टर की डायरेक्शन पे, दूसरा 15 न्यूटन, और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। मानो कि पैरेललोग्राम लगा दो, यहाँ पे पैरेललोग्राम लगा दो और बोल दो कि डायगोनल आपको पैरेललोग्राम का होगा, वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। तो आप सिंपल एडिशन लगाओगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 15, और ये साइन ऑफ कॉस ऑफ 45 एंड दिस होल अंडर रूट 1/2। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये 225 प्लस ये 300 और ये 1/√2। ये कंप्लीट 1/2, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर 24 के करीब आएगा, अप्रोक्सीमेटली 24 न्यूटन के करीब आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 24 के करीब आएगा। 5√19 कह रहे हो ना, 5√19 आपका, हाँ इसके बराबर ही आपका 5√19, मतलब This is 5 times of 4 something greater than इससे ही होगा, तो ये greater than 24 ही होगा, ठीक है। तो approximately इतनी आएगा आपका आंसर, अगर इससे है फिर आप कर सकते हो। और एंगल पूछा हुआ है, डायरेक्शन भी पूछा हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्शन क्या कहोगे आप? बोल दो कि किसी एक वेक्टर से अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो tan of अल्फा क्या हो जाएगा, tan of अल्फा 15 sin 45 divided by 10 प्लस 15 कॉस ऑफ 45, सिंपल। तो ये हो जाएगा 15/√2 प्लस 10 प्लस 15/√2, ठीक है। तो ये 15 डिवाइड बाई 10√2 प्लस 15, ये एंगल अल्फा किससे बनाएगा, अल्फा विथ 10 न्यूटन वाले फोर्स के साथ, ठीक है, अल्फा विथ 10 न्यूटन वाले फोर्स के साथ। क्लियर है ये? क्लियर है ना ये? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, the magnitude of resultant vector is equal to magnitude of either either vector
फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स. So cos theta is equal to minus half. Minus of angle बताओ, angle. Minus of तो ठीक है. Angle बताओ तो फिर क्या होगा? Cos theta अगर minus half के बराबर है तो angle कितना आएगा? One hundred twenty degree. सही है, right answer. कैसे करेंगे? आपको कहा हुआ है कि दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं एंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वो भी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स कहा हुआ है. तो जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के बराबर है और ए वेक्टर भी बी वेक्टर के बराबर है. तो जो रिजल्टेंट अगर मैं लिखूं ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा दिस होल का अंडर रूट, तो ये आपको दे देगा cos theta is equals to minus half, so theta turns out to be 120 degrees. ठीक है? तो अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से इक्वल वेक्टर्स अगर 120 degrees के अबाउट लाई कर रहे हैं, ये याद रख लेना, ये काफी यूजफुल है. दो वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं, और तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका भी इक्वल मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर भी इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और वो एक किसी भी वेक्टर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ये याद रख सकते हो आप. ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं. हो गया, कोई डाउट है इसमें किसी को? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बताओ सर, फिर से समझिए ना. देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है आर का, आर का इक्वेशन था ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos theta का, ये r square में लिख दे रहा हूँ. तो ये वाला वैल्यू जो कहा हुआ था, तो क्वेश्चन में ये कहा है कि a और b तो इक्वल है क्योंकि टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है. ठीक है, और ये भी कहा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द वेक्टर्स. तो ये दोनों इक्वल है और जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल है किसी एक को, तो किसी एक को भी इक्वल होना क्योंकि दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो तीनों ही इक्वल है कह रहा है. ठीक है, समझे बात? So, तीनों ही इक्वल है, तो मैंने आर की जगह पर ए लिख दिया, ए की जगह पर तो ए है ही और बी के जगह पर भी ए लिख दिया है, तो ये टू ए स्क्वायर हो गया और यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो. कोई दिक्कत इसमें? नो सर. ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक फोर्स है एफ वन जो कि है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप न्यूटन्स का फोर्स है. एफ टू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन्स है. आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बताना है. करो
देखो कैसे करोगे। आपको ये पता है रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे लगाना है, ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स आपको कैसे, रिजल्टेंट का मैंने बताया, रिजल्टेंट क्या हो जाता है, दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाता है, दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाता है, ठीक है? तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाएगा, ये याद रखना है। तो रिजल्टेंट आपको अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तब आप कैसे ऐड करोगे, तब आप सिंपल मैथ करके, सबसे आसान है लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे करना है। आप सिंपल दोनों को ऐड कर दोगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दोनों को माइनस कर दिया था ना, वैसे ही इसमें दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा 3i cap + 4j cap + 2k cap, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना ही इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ना ही इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और दोनों के बीच में एंगल भी नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे आपको इसका एग्जैक्टली वेक्टर नोटेशन दे दिया हुआ है, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में वेक्टर नोटेशन दे दिया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आप क्या करोगे, दोनों का सिंपल मैथ से ऐड करके आप रिजल्टेंट वेक्टर का बता सकते हो, ठीक है? अगर आपको F1 का मैग्नीट्यूड दिया रहता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड दिया रहता, तो मुझे बताओ F1 जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? बताओ, आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ रहा आवाज। हाँ तो ये बताओ ना, अगर एक वेक्टर को अगर आप एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप से अगर लिख रहे हैं कोई भी एक वेक्टर को, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कितना कहते हो? पिछले क्लास में डिस्कस किया था ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना कहोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट का होगा ना? सर वीडियो रुक गई क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लस थ्री स्क्वायर, इतना नहीं आपको अगर बताना होगा तो आप क्या, प्लस फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ से तो पता चल गया ना आर वेक्टर क्या है, तो आप सिंपल इसमें इतना न्यूटन फोर्स लग रहा करके बता सकते हो, और कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वेक्टर नोटेशन आपको दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट फिर से वीडियो रुक गई। उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल के आप बता दोगे कितना मैग्नीट्यूड। आवाज आ रहा है ना? यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, अब स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ तो अगर यूनिट वेक्टर अलोंग आर रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर अगर पूछा हुआ है, तो आपको आर क्या पूछ रहा है, तो आप आर वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, जो कि आपको यहाँ पे इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा 9 + 25 + 4,
which will be under root 38 newton. 38 newton से आप इसको डिवाइड करके बोल दोगे कि ये आपका आर कैप का डायरेक्शन है, आर कैप का वैल्यू है, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट फोर्स. क्लियर है ना ये बात? कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही सरल सवाल था, बट आपको बस तरीका पता होना चाहिए था, है ना? सर वो फोर स्क्वायर है. क्या स्क्वायर है? फोर स्क्वायर है, 25. अच्छा अच्छा अच्छा, 5 स्क्वायर ले लिया था क्या? तो आंसर अलग आ जाएगा. अंडर रूट 29 है सर. अंडर रूट 29. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अंडर रूट 29 है. अब सही है ना? ठीक है, तरीका पता चल गया कैसे करना है इस टाइप का. अगर आपको मैग्नीट्यूड्स दी हुई हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड्स दी हुई थी, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड्स दी हुई थी 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन का 15 न्यूटन का फोर्स एक एंगल थीटा बना के एक्ट कर रहा है, तब आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना था. तो आपने क्या करा, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपने आंसर बता दिया. बट इस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको उस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, आपको यहाँ पे वेक्टर नोटेशन पे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. ठीक है, यहाँ पे वेक्टर नोटेशन पे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. अब जाके अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली वेक्टोरियली इसको मैथ्स के थ्रू एड कर दोगे और आप रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से बता दोगे. और अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो आपको पहले जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंगली सबका स्क्वायर करके एड करके आप वैल्यू बता दोगे. और फिर अगर यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर भी पूछा होगा, तो आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करके आप रिजल्टेंट आंसर बता देंगे. क्लियर है ना इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ सकते हैं या फिर कोई दिक्कत है अभी भी? तो देखो. No, sir. अब हम मानो कि अच्छा एक और एक कॉन्सेप्ट बस छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिजोल्यूशन से ही रिलेटेड है. इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं. रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हमने अभी टू डायमेंशनल में देखा था, है ना, कि अगर ए वेक्टर है तो एक्स एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस है तो अगर आपको एक एक्सिस से अगर एंगल थीटा पता है तो एक्स एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाता है और वाई एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा हो जाता है. ठीक है, ये 2D केस में हो गया. अब इसको हम जनरलाइज करेंगे 3D केस में. मानो कि ये P वेक्टर है. ठीक है, तो ये P वेक्टर जो है ये आपका ये P वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, अगर मानो कि ये एंगल अल्फा है, ये गामा एंगल अगर मैं कहता हूँ, जेड एक्सिस के साथ अगर P वेक्टर गामा एंगल बना रहा है, गामा एंगल क्या है, जेड एक्सिस के साथ है. ठीक है, और फिर इसका जो ये कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ, थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ मानो अल्फा एंगल बना रहा है, और सिमिलरली ये वाई एक्सिस के साथ मानो बीटा एंगल बना रहा है. थोड़ा सा अपना 3D इमेजिनेशन बढ़ाओ, ये 3D में हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए. तो मानो कि ये जो P वेक्टर है, ये P वेक्टर जेड एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और एक्स एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, और बीटा वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है. तो आप ये हमेशा कह सकते हो ये जो कॉस ऑफ अल्फा या कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा, दीज आर डायरेक्शनल कोसाइंस. क्या कहेंगे इसे? डायरेक्शनल कोसाइंस. ठीक है, दीज आर व्हाट? दीज आर डायरेक्शनल कोसाइंस. कोसाइंस है और ये कॉस के साथ है, दीज आर डायरेक्शनल कोसाइंस. एंड और एक चीज याद रखो, सो डायरेक्शनल कोसाइंस का स्क्वायर जो होगा
ये हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, आपको ये चीज याद रखना होगा, डायरेक्शनल कोसाइंस का जो एडिशन है वो वन हो जाता है, ठीक है, ये याद रखो। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शनल कोसाइन अगर है तो अगर इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है और इसका रिजल्टेंट मानो कि डी है, ठीक है, डी क्या है, डी इज डी इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ पी वेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्शनल कोसाइन शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको क्यों हो रहा है, बिकॉज डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, ठीक है, ये चीज कह सकते हो। और क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, तब ये देखो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखें, अगर आपको ये दिया हुआ है ए वेक्टर है मानो कि 5 i कैप और 2 j कैप प्लस 4 k कैप है, तो अगर मैं आपको पूछूं a का मैग्नीट्यूड क्या होगा और अगर मैं पूछूं a के डायरेक्शनल कोसाइंस बताओ तो आप कैसे बताओगे, a का मैग्नीट्यूड बताओ क्या है, a का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 का मैग्नीट्यूड वुड बी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इतना यूनिट्स है ना, ठीक है, डायरेक्शनल कोसाइंस। अब मुझे ये बताना है कि कॉस ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा क्या है, तो ये हो जाता है जितना x का कोऑर्डिनेट है, जितना x का कोऑर्डिनेट है डिवाइडेड बाई इसका टोटल रिजल्टेंट, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रिजल्टेंट। सिमिलरली cos ऑफ बीटा हो जाता है जितना y का कोऑर्डिनेट है डिवाइडेड बाई उसका रिजल्टेंट, और सिमिलरली cos ऑफ गामा हो जाता है जितना z का कोऑर्डिनेट है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू वुड बी 5 डिवाइडेड बाय दिस, इसका टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 25 प्लस 4 प्लस 16 कितना, √45 यूनिट्स, तो ये अंडर रूट ऑफ 45। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 by under root of 45, similarly ये भी हो जाएगा 4 by under root of 45, clear है, इस तरीके से आप directional cosine बताओगे, question में अगर directional cosine भी पूछा हुआ है तो इस तरीके से आप directional cosine बता सकते हो, ठीक है, ये एक हो गया। एक दो question, एक ठीक है, काफी time हो चुका है class का, एक आखिरी question देखते हैं उसके बाद class conclude कर देंगे। मानो कि अगर आपको तीन फोर्सेस दिए हुए इस तरीके से, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आखिरी क्वेश्चन है, पी कैप अगर दिया हुआ है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप, और आपको सी वेक्टर बताना है सच दैट जो तीनों का रिजल्टेंट है वो जीरो हो, तो सी कैप बताना है, बताओ क्या है आंसर इसका,
कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल सवाल है, तो a प्लस b पहले करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आएगा, 3 i cap 4 k cap, 0 j cap होगा, j का तो कुछ नहीं होगा, फट 4 k cap हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो ये आपको रिजल्टेंट आ गया, तो c वेक्टर क्या है, c वेक्टर इज माइनस ऑफ a प्लस b है, एंड a प्लस b आपको क्या आ रहा है, 3 i cap प्लस 4 j cap k cap आ रहा है, तो आपको c कैप आ जाएगा 3 - 3i cap - 4 k cap, इतना ही आंसर है, तो c का वैल्यू ये है, ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पे जाएंगे, ठीक है? ये एडिशन ऑफ द वेक्टर्स हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स करेंगे, और कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है? आज की क्लास यहाँ पे समाप्त। कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। ओके ओके, थैंक यू।